आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मिशन उत्तराखंड पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज देहरादून के दौरे पर जाएंगे सीएम केजरीवाल। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज, आज उत्तराखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कांग्रेस को उत्तराखंड में बड़ा झटका, भाजपा में शामिल होंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेम आर्या। आज से किशोरों के वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत, कोविन पर 7.90 लाख रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की व्यवस्था। देश भर में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, कोरोना के मामलों में भारी उछाल, उत्तराखंड दिल्ली समेत कई राज्यों में रिकॉर्ड नए केस। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। मिशन उत्तराखंड पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सीएम अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर है और छठे दौरे पर चुनावी बिगुल फूकेंगे, जहां केजरीवाल परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही उत्तराखंड नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के दौरे के लिए पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। खबर रुड़की से है, जहां पर सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे, जिसमें लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार में गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था। वहीं विधानसभा विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया है। उस व्यक्ति का नाम है अंबानी, उसका नाम है अंबानी, और आपको मालूम है ये जो गैस की तिजारत है, गैस का व्यापार किसके पास है, उस व्यक्ति का नाम भी अंबानी। कांग्रेस के समय में ये गैस आपको 400 रुपए। ऋषिकेश में ग्रामीणों की मदद के लिए निशुल्क कार्ड कैंप लगाया गया है। इस दौरान एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। दोनों ही आयोजनों में सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ लाभ उठाने के लिए उमड़ पड़ी। मौके पर प्रभावित प्रतिभावना युवाओं की सम्मानित भी किया गया, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम भी जिला पंचायत की ओर से किया गया। मैं अभी कम से कम आप देख रहे होंगे 500 से अधिक लोग पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में, और इसमें हमने ये रखा है कि सभी लोगों के लिए फ्री मेडिकल चेकअप, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि लोगों को बीपी के कारण अटैक पड़ता है, शुगर बढ़ गया अटैक पड़ता है, तो हमने ये रखा है कि इनका सारा मेडिकल चेकअप फ्री होगा सभी बुजुर्गों का, और युवा भी करवाना चाहें युवा भी करवा लें। अभी जैसे कि ई श्रमिक कार्ड सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, मोदी जी द्वारा, अमित धामी जी द्वारा, तो उसके लिए हमने एक कैंप लगाया निःशुल्क, जिसमें कईयों को आ रहा था कि पैसे ले रहे हैं ये कर रहे हैं, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वो कैंप लगाया गया है। चमोली में राजकीय जिला अस्पताल से डॉक्टरों के स्थानांतरण और डॉक्टरों के खाली पदों को भरने को लेकर आम लोग और राजनीतिक पार्टियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों उपजिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग से सर्जन समेत विशेषज्ञ डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया था। वहीं महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष गोदावरी रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। यहाँ पे जो चमोली जिले का केंद्र है कर्णप्रयाग, तो यहाँ पे हॉस्पिटल की हालत बहुत बदहाली में है, और छोटे छोटे सामुदायिक केंद्रों से जो भी रेफर सेंटर बन रखे हैं, यहाँ पे 6 महीने में 4 डॉक्टरों का ट्रांसफ़र हो चुका है और 1 हफ्ते में 2 डॉक्टरों का ट्रांसफ़र हो चुका है। जो राजीव शर्मा जी यहाँ पे सर्जन थे, उनके आश्रय पर पूरे लोग यहाँ पर आते थे इलाज के लिए। हमें एक विश्वास था कि हम कर्णप्रयाग जा करके हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, लेकिन उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जब तक उनके स्थान पे कोई दूसरा नया डॉक्टर नहीं आता है, तब तक उनका ट्रांसफ़र रोक दिया जाए। धन्यवाद। देखिए, आज महिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे जो हमारा उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग है, उसमें लगातार
जो है डॉक्टरों के स्थानांतरण हो रहे हैं और लेकिन उनके देहरादून में बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। आसमान में बादलों की हलचल शुरू हो जाएगी। मैदानी जिलों में उतला कोहरा रहने की संभावना है। कई जिलों में 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी हो सकती है। 5 और 6 जनवरी को भी 2500 मीटर से ऊंचे स्थानों में बारिश बर्फबारी का अनुमान है। कुछ मैदानी जिलों में भी बारिश हो सकती है। मौसम के निर्देशक विक्रम सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से 4 जनवरी से मौसम में बदलाव आएगा। विकास नगर के पहाड़ी गली चौक पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। विकास नगर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विकास नगर क्षेत्र के लिए 259 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना महामारी के दौरान जो परीक्षा शुल्क नहीं दे पाया, एक साल सभी प्रतियोगी परीक्षाएं निःशुल्क होंगी। आंगनवाड़ी बहनों सहित सभी का मानदेय बढ़ा दिया गया है। 17,500 की करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था और सब मिलाकर पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 2022 के बीच में 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ उत्तराखंड के लिए हो गया है। उसमें से बहुत सारी योजनाएं पूरी हो गई है। अभी जैसा मुन्ना भाई लखवाड़ योजना की अभी चर्चा कर रहे थे आप सबके सामने, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा मुन्ना भाई ने कहा कि जो है ये यात्रा उनके ये लखवाड़ का जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट उनके जो उनके एजेंडा था उस एजेंडे में से प्रमुख एजेंडे में से था। और मैंने भी जिस दिन 4 जुलाई 2021 को आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरी अभिरुचि इसमें रही थी शुरू से कि हमारा राज्य जिन जो जिन क्षेत्रों में सबसे आगे बढ़ेगा उसमें से नंबर 1 पर ऊर्जा का क्षेत्र भी है। और मैंने जब भी इसकी समीक्षा करी तो हमने देखा कि लखवाड़ योजना की सारी यहाँ से कार्रवाई पूरी हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है, भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी से उसको संस्कृति। थल में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों का हुजूम पुल तिराहा से होकर मुख्य बाजार से गुजरा। मंत्री चुफाल ने बाजार में सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि मंत्री का काफिला बाजार से होते हुए बिरमथल पहुंचा और प्रस्तावित कार्यक्रम में मंत्री चुफाल ने अपार जनता के सामने डीडीहाट के ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल की उपस्थिति में सरकार द्वारा स्वीकृति 54,00,000 रुपए की लागत से बन रहे टैक्सी स्टैंड का शिलान्यास किया। मंत्री चुफाल ने थल के बिरमथल के पास से गोल गांव के लिए राम गंगा नदी में झूला पुल स्वीकृति प्रदान करने की बात भी कही। इसके बाद गोचर के गेस्ट हाउस में जनता मिलन कार्यक्रम में मंत्री चुफाल ने अपनी सरकार के द्वारा उनके क्षेत्र में हुए विकास योजनाओं की जानकारी दी और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान भी किया। स्टैंड के लंबे समय से मांग थी थल में, थल क्षेत्र, क्योंकि टैक्सी स्टैंड के मोहानी रोड में भी ज़रूरत है और इधर आपका बिरिंदा जाने वाली रोड में भी ज़रूरत है और डीडी हाट जाने मुंशहरी जाने वाली रोड में। आज का जो हमने यहाँ पर स्वीकृत कराया है डीडी हाट जाने वाली रोड में, जितने मुंशहरी जाने वाली रोड में, उसका हमने यहाँ पर भूमि पूजन किया, उसका शिलान्यास किया और उससे टैक्सी से बनने के जो बाज़ार में टैक्सियाँ इधर उधर लोगों को रखने में परेशानी होती थी, वो समस्या का समाधान 1 महीने के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हमें जो मोहानी वाली रोड है और जो बिरनाग वाली जनी रोड है उस रोडों का भी हमने DPR बन के जल्दी से जल्दी उसकी स्वीकृति मिलेगी, जिससे लोगों को जो बाहर से पर्यटक आते हैं और जो बाहर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनको गाड़ी रखने के लिए जगह न मिलने के कारण सीधे थल में कोई। आगामी चुनाव को लेकर जनता से बातचीत का दौर जारी है। आपको बता दें कि विधानसभा पिरान गलियर के लोगों से चुनाव को लेकर बातचीत की, वहीं लोगों ने कहा कि महंगाई ने इस बार कमर तोड़ दी है, ना तो हमारे पास कोई रोजगार है। लोगों का कहना है कि सभी पार्टियां अपना राज कर चुकी हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बढ़िया काम कर रही है, इसलिए अब की बार उत्तराखंड में आम आदमी की सरकार बनने जा रही है।
आदमी पार्टी का प्रोग्राम है, शादाब भाई के घर की ओपनिंग हुई आज। लोग उन्हें बाहरी प्रत्याशी बता रहे थे, उन्होंने यहाँ अपना एक मकान बनाया, एक कैंप कार्यालय के लिए करीब 4,000 फीट जमीन ली, जिसमें आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए। खबर मिली थी कि भाई वहाँ प्रोग्राम हो रहा है आम आदमी पार्टी का। क्या भाई के यहाँ क्या हुआ कि अब की बार कौन सी सरकार लाएंगे आप? खबर नरेंद्र नगर से है, जहां पर जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल की जिनका स्थानांतरण जनपद हरिद्वार में हुआ है। सेमवाल के स्थानांतरण पर राजकीय माध्यमिक मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन सहित चतुर्थ वर्गीय संगठनों ने नरेंद्र नगर स्थित शहीद भगत सिंह नेगी राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया। कर ले तो जनपद टिहरी पूरे राज्य में अग्रणी है, और निश्चित रूप से ये सेमवाल जी का ही मार्गदर्शन था। और शिक्षकों के बीच में आप एक ऐसे संरक्षक, सर्वप्रिय संरक्षक के रूप में याद किए जाते रहेंगे कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने समय समय पर शिक्षकों को प्रेरित किया, कभी कोई भी शिक्षक इस दौरान उनके कार्यकाल के दौरान हतोत्साहित नहीं हुआ। और जनपद कार्यकारिणी राजकीय शिक्षक संघ टिहरी गढ़वाल के द्वारा जो भी कार्य उनके स्तर के जो कार्य थे वो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बुलाए गए, उनका समय रहते निस्तारण किया गया और किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई समस्या उत्पन्न उनके द्वारा नहीं हुई। टिहरी मेरा एक तरह से जिला भी रहा है, बहुत पहले 1815 से 1898 तक, इसलिए मेरा लगाव है पैतृक तौर पर। टिहरी के शिक्षकों ने जो सम्मान दिया है वो सम्मान के वो भी हकदार है, बहुत शानदार उन्हें इसमें काम किया है, विज्ञान में शाला सिद्धि में पर सभी परीक्षा फल के नतीजों में बहुत बेहतर काम किया है, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। और टीवी के प्रति मेरा लगाव और वहाँ के लोगों के प्रति जो सम्मान है उसी का नतीजा है कि लोग आज नए साल के मौके पर ही बाजार की सड़कों पर साफ सफाई की व्यवस्था मुकम्मल करने के लिए नगर निगम ने स्वीपिंग मशीन खरीदी है, जिसको लेकर नगर निगम की महापौर अनीता मुमगाई ने हरी झंडी दिखाकर स्वीपिंग मशीन को रवाना किया। आपको बता दें कि स्वीपिंग मशीन एक खास टेक्नोलॉजी की मशीन है, जिसमें वैक्यूम, झाड़ू पर और पोछे आधुनिक तरीके से खुद ही सड़कों पर चलते हैं, जिससे कम समय और कम कर्मचारियों के बेहतरीन सफाई हो जाती है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए और ने बताया कि डंपिंग ग्राउंड से लगभग 43% कचरा का लिगेसी टेक्नोलॉजी से निस्तारण कर दिया गया है। दावा किया गया है कि आगामी 2 महीने में शेष कचरे का भी निस्तारण कर डंपिंग ग्राउंड को खाली कर दिया जाएगा। जो हमारे शहर की बहुत बड़ी समस्या 25-30 सालों से बनी हुई जो असंभव सा लगने वाला काम, ये ट्रेचिंग ग्राउंड आप देख रहे होंगे कि आज ट्रेचिंग ग्राउंड पे परेश वार्ता करने का हमारा मकसद ही यही था कि जो कि एक सपना सा लोगों को लगता था, जो हमारा यहाँ पर नेशनल हाईवे है और वहीं तक बाहर कूड़े का पहाड़ लगा रहता था, यहाँ पे बाहर लोग खड़े भी नहीं हो पाते थे, लोगों को लगता था कि ये एक कई सुनी बातें हो गई, कोई इसको हटा नहीं सकता है, इसमें कोई संभव ही नहीं है कि इतने बड़े कूड़े के पहाड़ का निस्तारण कैसे हो सकता है। मैं बड़े हर्ष के साथ में आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो शहर की समस्या थी उस समस्या को, जो मैं तो पूर्ण बड़ी नासूर बनी हुई थी जो समस्या, उसको अपने हमने अपने घोषणा पत्र बिंदु नंबर 1 में रखा और बिंदु नंबर घोषणा पत्र के बिंदु नंबर 1 में हमने सभी को ये पूरे घोषणा पत्र को छाप के 18 बिंदुओं को प्रत्येक घरों में, प्रत्येक परिवार में सभी को ये घोषणा पत्र बंटवाया कि इसमें आप देख लें। खबर रुड़की से है, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अखिल भारतीय शैक्षिक विमर्श और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 22 राज्यों के अध्यापकों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपने योग कला भी दिखाई। वहीं संजय वत्स कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि देश भर के 22 राज्यों से इस कार्यक्रम में अध्यापक पधारे हैं, जिनको गुरु चाणक्य अवार्ड से और बेस्ट एजुकेशन आइकॉन अवार्ड दिया गया है। अखिल भारतीय शैक्षिक विमर्श एवं शिक्षक सम्मान समारोह है, जो कि हमारे एक अभियान है राष्ट्रीय स्तर पर उद्घोष शिक्षा का नया सर्वे है, जो कि डॉक्टर यादवेंद्रनाथ मेमोरियल ट्रस्ट के अंतर्गत चलने वाला एक प्रकल्प है। दरअसल हमने वैश्विक महामारी के दौर में जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने कुछ इनोवेशंस करके अपने विद्यालयों में जो बच्चे थे उनको पढ़ने पढ़ाने जो उनके पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके हैं उनमें कुछ अपना इनोवेशंस
इम्प्लीमेंट किया, ऐसे शिक्षकों को हम आज सम्मानित कर रहे हैं देश भर के 22 राज्यों से। यहाँ हल्द्वानी स्टेट हाईवे पर कालाढूंगी थाने के समीप कमोला गांव में सड़क हादसे में दो भाजपा नेताओं की दर्दनाक मौत से क्षेत्र में गम का माहौल है। कोटाबाग मंडल महामंत्री जगदीश गुरो एवं सुमित चौहान भाजपा की विजय संकल्प यात्रा से शाम को वापस अपने घर लौट रहे थे। वापसी के दौरान दोनों नेताओं की कार और मोटरसाइकिल चालक की रोडवेज से भीषण भिड़ंत होने से दर्दनाक हादसा हुआ। दोनों भाजपा नेता अपने घर के निकट ही पहुंचने पर तेज रफ्तार पर आ रही उत्तराखंड परिवहन के बस ने कार सवार दोनों भाजपा नेताओं की कार को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके बाद ये हादसा हुआ और दोनों की मौत हो गई। करीब 16:40 बजे एक रोडवेज की बस हल्द्वानी से रामनगर की तरफ जा रही थी तथा रामनगर से दो कार और एक मोटरसाइकिल हल्द्वानी की तरफ को आ रहे थे। 16:40 बजे करीब कमोला के पास ये आपस में भिड़ गए, जिसमें मौके पर ही दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और जिनका पंचायतनामा भरने के पश्चात उनका पोस्टमार्टम किया जा चुका है। और शेष तीन करीब अन्य घायल थे जिनका उपचाराधीन है और उसमें से कुछ लोग। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलियर में कैंडल मार्च निकालकर मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पिरात कलियर में पूर्व युवजन सभा के जिलाध्यक्ष मौसम अली के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर के भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मौसम अली ने कहा कि जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार को भगदड़ मचने के कारण 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई श्रद्धालु घायल हो गए थे, जिनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अगर आज हमारे लिए नए साल की खुशी है तो इस नए साल में हमें गम भी मिला है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता वैष्णो देवी का मंदिर, जहाँ पर अभी एक दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है। हमारे श्रद्धालु हिंदू भाई जो वहाँ बड़ी आस्था के साथ गए हुए थे, पता नहीं किस कारण वहाँ पर भगदड़ मची और उस भगदड़ में जो है 13 लोगों की जान चली गई। तो उसके उपलक्ष्य में हमने समाजवादी पार्टी के सौजन्य से अपने गाँव पिरान के लिए शरीफ, जो वर्ल्ड फेमस गांव है और जहां पर साबिर बाबा की वर्ल्ड फेमस दरगाह है, वहां पर हमने कैंडल मार्च किया है इस उपलक्ष्य में कि हमारे जो हिंदू भाई जिनकी जान उस हादसे में गई है, हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और हमने ऊपर वाले से दुआ की है कि जिन लोगों की उस हादसे में जान गई है, भगवान। जनपद चमोली के देवाल विकास खंड के बेराधार गांव में सुबह गांव के महिपत सिंह पुत्र शेर सिंह की गौशाला में आग लगने से उनकी 50 के करीब बकरियां आग में जलकर स्वाहा हो गई। जानकारी के अनुसार 76 वर्षीय बुजुर्ग महिपत सिंह ने सुबह उठकर अपनी गौशाला में बकरियों के लिए गौशाला में आग जलाई और फिर वहीं पर सो गए। इतने में कुछ देर में गौशाला में रखे लकड़ियों और अन्य सामान में आग पकड़ ली। जब तक बुजुर्ग की आंख खुली तब तक आग पूरी गौशाला में फैल चुकी थी। बुजुर्ग ने गौशाला में लगी आग से किसी तरह अपने आप को बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। पांच बजे के हेरफेर विकासखंड देवाल के ग्राम सभा बेराधार में अचानक आग लगने से एक गौशाला पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है, जिसमें कि कम से कम 45 से 50 बकरियां इस आग में राख बन चुकी हैं। और यहां पे सुबह से कम 6 बजे के हेरफेर से समस्त ग्रामवासी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।